सर्दियों का मौसम आ चुका है, हम आपके लिए ले आए हैं गर्म होने वाला कंबल। ये एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। इस वीडियो में हम ब्लैंकेट के रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कितना इफेक्टिव है और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, कितने डिग्री तक टेम्परेचर इसको यूज़ करने से इंक्रीज़ होगा और ये कितना गर्म कर पाएगा। ये इस ब्लैंकेट का कंट्रोलर है, इसी से टेम्परेचर पूरा कंट्रोल होगा। इसमें तीन मोड्स दे के रखे हैं, चेक करते हैं। ऑफ, लो एंड हाई। इसको एक बार पूरा ओपन कर लेते हैं। थर्टी एट इंच, लगभग 50 इंच, 50 इंचेस की हाइट है और 38 इंच की विड्थ है। पूरे बेड पे दिखा देते हैं कि कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका बेड पे इतना साइज आ रहा है। इसकी हाइट और विड्थ सिंगल बेड के अकॉर्डिंग ठीक है। एक बार इसको प्लग इन करके चेक कर लेते हैं। हाई मोड पे रख दिया हमने इसको, एक बार चेक कर लेते हैं गर्म भी हो रहा है कि नहीं। टाइमर और टेम्परेचर सेंसर के साथ हम रेडी हैं। इसमें आप चेक करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कितनी देर में गर्म होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी करंट टेम्परेचर जो रूम का है इतना दिख रहा है, 26.8 अप्रॉक्स जो इस टेम्परेचर सेंसर में दिखा रहा है। अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। पे ऑन हो गया है। अभी इसकी जो हमने सेटिंग कर रखी है वो हाई पे है। इसका टाइमर ऑन कर देते हैं। इसमें इसके थोड़े हिस्से पे चद्दर रखेंगे और इसके थोड़े हिस्से पे ये कंबल का कपड़ा डालेंगे और बाकी जो बीच का हिस्सा होगा वो नॉर्मल ऐसे ही ओपन रहेगा। और तीनों का टेस्ट करेंगे कि तीनों एरिया में कितना टेम्परेचर होता है। फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं इस एरिया में। इसके नीचे तार है जो गर्म हो रही है, ये थोड़े थोड़े गैप में है, वो हिस्सा थोड़ा बहुत गर्म है, बाकी बिल्कुल ठंडा है। यहाँ पे एक बार टेम्परेचर सेंसर से चेक करते हैं। इस जगह थोड़ी वायर है, इस जगह चेक करेंगे। इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जहाँ कंबल के अंदर वायर्स हैं उसी जगह टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी जगह नहीं बढ़ेगा। एक बार चादर के नीचे चेक कर लेते हैं। इस सेंसर को चादर के नीचे रखेंगे। चादर के नीचे का एरिया जो है कंपैरेटिवली जो एरिया ओपन है उससे ज़्यादा गर्म हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, 30.8 डिग्री। ये जो कंबल के नीचे का एरिया है वो चेक कर लेते हैं। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हो रहा है। सेंसर हमने जो कंबल के नीचे रखा है उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, ज़्यादा गर्म है, लगभग 36 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, 37 डिग्री। टाइम हो रहा है 13 मिनट्स, लगभग 14 मिनट्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को टर्न ऑफ कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना गर्म हो गया है। स्टार्ट करते हैं सेंटर वाले सेक्शन से। ये तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में है, तो ये जल्दी ठंडा होगा। अब चेक करते हैं जो हमने चादर लगाई है उसके नीचे टेम्परेचर कितना आ रहा है। इस सेंसर हमने चादर के नीचे रख दिया है, इसका जो टेम्परेचर है 32-33 के आसपास ही है, 33 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जो चादर वाला एरिया के नीचे का जो टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो इसको हम 33-34 डिग्री के आसपास मानेंगे। अभी सेंसर कंबल वाला एरिया है उसमें हम सेट कर देते हैं। ये कंबल के नीचे जो एरिया है ज्यादा गर्म हो रहा है, कंबल लगाने की वजह से ज्यादा देर तक हीट रिटेन करके रखेगा। जो बाहर वाला एरिया है अभी तक इसकी हीट खत्म हो चुकी है, ठंडा हो गया लगभग। कंबल के नीचे जो टेम्परेचर है लगभग 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। अभी टाइमर ऑफ किए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। जिस एरिया को हमने बिल्कुल भी कवर नहीं करा था, मैक्स टू मैक्स 30 डिग्री तक जा रहा था, जिस एरिया को हमने चद्दर से कवर किया था वो एरिया का जो टेम्परेचर था 33 डिग्री से 34 डिग्री तक जा रहा था, और जो एरिया इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का हमने कंबल से कवर किया था उसका टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच रहा था।
और रूम का टेम्परेचर 25 डिग्रीज था, तो 25 डिग्री से 38 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। अगर आप कंबल यूज करते हैं तो लगभग 13 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। इस कंपैरिजन वीडियो के बाद आप इस कंबल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे कि आपको चादर के साथ यूज करना है या कंबल के साथ यूज करना है। और जैसा कि इसकी गाइडलाइंस में लिखा है, इसको सोने से पहले ऑफ करके सोएं।